मैं सर्वप्रथम यहां जितने हमारी जनता आई हुई है, मैं सबों को अभिनंदन करता हूं, चंदन करता हूं, वंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज होली का पर्व है, आज हम लोग होली मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर नवीन नगर अब्बारून का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों ने मुझे फिर से बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया है। मैं इसके लिए आप लोगों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने अनुज छोटे भाई विपिन जी का, अरविंद बाबा का, और इस मंच के संचालन करता मझियावा पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे भाई लाल गोविंद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे गार्जियन संजय भैया को जो मुंगिया पंचायत के मुखिया हैं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ललन भाई को जो सिमरी धमनी पंचायत के मुखिया हैं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बारून से चल के आए हुए डॉक्टर चंदन सिंह यादव जी को जो आप लोगों के बीच में आए हुए हैं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ललन भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बारून से चल के आए हुए हमारे अजीज मित्र हमारे भाई भाई पिंटू जी को जो मुखिया भी है रहे हैं मैं विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि अपने छोटे भाई सुधीर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई टुनटुन जी को, धर्मेंद्र जी को, मैं यहाँ पे जितने भी वार्ड पार्षद हैं, मुन्ना जी हो, संतोष जी हो, सबों को मैं, रमन जी हो, मैं सबको मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। आज होली है, बात एकदम साफ साफ। न यहाँ कोई नेतागिरी है और न कोई शिकवा है न शिकायत है। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, मैं एक बात जरूर आप लोगों के बीच में बोलूंगा, हम लोग अगर पहचाने जाते हैं, अगर हम लोग पहचाने जाते हैं तो नवीनगर के बेटा के रूप में पहचाने जाते हैं। और यह सौभाग्य कोई हम लोगों से छीन नहीं सकता है। और आप लोगों ने अभी और जो सौभाग्य आप लोगों ने दिया है और जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया है उसको डब्लू सिंह कभी झुकने नहीं देगा। अगर कोई बात भी अगर होगी, कोई लड़ाई की अगर लड़ना होगा तो डब्लू सिंह सड़क से लेकर सदन तक में लड़ने का काम करेगा। और डब्लू सिंह एक चीज जरूर जानता है बखूबी, एक चीज बखूबी जानता है कि आप लोगों ने चुन के मुझे भेजा है, अगर मुझे इस कलम से लड़ना होगा तो उसके लिए भी तैयार है, अगर हाथ से भी लड़ना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार बैठे हैं। और उदाहरण तो भी आप लोगों ने बिहार विधानसभा में देख ही लिया होगा। अरे उस दिन मुझे लोग कह रहे थे कि डब्लू तू क्या करी था, अरे भाई जिस मंदिर में हम लोग गए हैं, जिस मंदिर में हम लोग चुन कर गए हैं उसका कोई अपमान करे और डब्लू सिंह नवीनगर का बेटा वहां चुप नहीं बैठ सकता था। और वहां पर जब लड़ाई चालू हुई, हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, अब सोच कर अब देखिए 75 साल की उम्र में रफीगंज के विधायक हमारे गार्जियन निहाल चा पे हाथ अगर कोई चला दे तो एसपी हो के डीएम हो के सीएम हो उससे लड़ेंगे हम लोग। और लड़ेंगे इसलिए भी कहा कि पानी हमने के कड़ा है,
और हमारे तो घरे है काला पहाड़। ऐसा हूं पहाड़ का पानी है तरी जोर जोर टेस्ट करना है आकर टेस्ट करके देख ले। सब होगा हो अगर कैसे कहला लेकिन अफसोस एक दो चीज का जरूर रहता है। अगर पिछले चुनाव को अगर हम याद करते हैं तो हमको तो कोई नबीनगर में कोई मंच नहीं मिला था। इलेक्शन लड़ने से लेकर अभी तक ये पहला हमको मंच है जो नबीनगर में आप लोगों ने दिया है, भाई विपिन जी ने दिया है, नगर पंचायत के लोगों ने दिया है। और लोगों को हम देखते हैं, अभी हमारे मुखिया जी कह रहे थे, लाल गोविंद भाई कह रहे थे कि इससे पहले भी होली मिलन हुआ था, तो भाई कोई दिक्कत ना है, स्वागत है। लेकिन बाहरी लोगों का हम लोग स्वागत कर सकते हैं, बसा नहीं सकते हैं। एक चीज कान खोलकर हमारे विपक्ष के भी लोग सुन ले कि अगर लड़ना है तो डब्ल्यू सिंह सामने सामने होकर लड़के देख लीजिए। और मुझे इस बात का घमंड या गुरूर जरूर रहता है कि नबीनगर का एक एक नौजवान मेरे साथ खड़ा रहता है। और अगर मुझे किसी भी लड़ाई को अगर लड़ना होता है तो मैं छाती ठोक कर आगे अपने आप को खड़ा कर देता हूं। और खास करके देखा एक कहे कि नौजवान के बात है, कहे कि जितना हम मंच पे रहते हैं उतना ही हम क्रिकेट के मैदानों में रहते हैं। और लोग हम तो ऐसे हरदम कहता है कि तू डब्लू हरदम क्रिकेट में कहे जा, तो हमको मालूम है कि अगर खेल में अगर कोई है तो नौजवान है। और क्रिकेट का एक नियम है, जो पहला बॉल पे छक्का मारे वो जरूर जीतता है। और राजनीति में इस बार हम लोगों ने जिले के अंदर में पहला बॉल पे छक्का मार के दिखाया है, राजनीति के इतिहास पलट देने का काम किया है। आज तक किसी का भी सत्ता हो, किसी का भी सत्ता हो, लेकिन कभी छह में छह सीट नहीं जीतने का काम हुआ था, इस बार हम लोगों ने महागठबंधन करके दिखाने का काम किया। और हम आपको वादा करके जाते हैं, आज होली मिलन के अवसर पे मैं बोल रहा हूं, आने वाला 24 इन लोगों को भारी करके दिखाएंगे। आने वाले 2024 में जो दो हम लोगों का है, औरंगाबाद है काराकाट है, दोनों में हम लोग दिखा देंगे कि यहां का नौजवान क्या चाहता है और क्या करके दिखा सकता है। बाहर से बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग आए हुए, कह के हमनी के तो बोलिएगा तो हमने रात भर बोलते रह जाएंगे, लेकिन घर अपन है तो लेकिन बाहर से आए हुए कलाकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं उन लोगों को आश्वस्त कर दिया था, यहाँ पे बड़े शांति प्रिय लोग हैं, नबीनगर की अपनी पहचान शांति के लिए भी देखा जाता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग हरदम मुझे भाई के रूप में, बेटा के रूप में इसी तरह आशीर्वाद देते रहे। मैं अंतिम में आप लोगों का चरण स्पर्श करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
भैया एक इंतजार हलक हमारे के बहुत बहुत धन्यवाद नवीनगर का लोकप्रिय